हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इसमें दिया हुआ है सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्टर्स विद सेंट्रल एंगल 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 150 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सर्कल है और सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है और सर्कल को तीन सेक्टर में बांट दिया जाता है। एक का एंगल 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री ये दिया हुआ है। व्हाट पार्ट ऑफ द होल सर्कल इज द सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल 150 डिग्री। बोल रहा है कि जो सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल 150 डिग्री है, ये हिस्सा, ये सेक्टर पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है। ठीक है, तो हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल 150 डिग्री डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल, तो ये पता चल जाएगा। तो इन दोनों में, इस वाले पार्ट में और पूरे सर्कल में रेशियो कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल 150 डिग्री डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। दोनों का रेडियस सेम है, सेक्टर का भी रेडियस यही है, सर्कल का भी रेडियस यही है, तो पाई आर स्क्वायर पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया थीटा। थीटा कितना दिया हुआ, 150 डिग्री, 150 बाई 360, तो ये कट जाएगा, 0 0 कट गया और 3 से कट गया 5 बार में, 3 से कट गया 12 बार में, तो ये आ गया 5 बाई 12। तो एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल 150 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये इधर शिफ्ट होके आ जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो 5 बाई 12 एरिया ऑफ सर्कल होगा। ठीक है, तो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द थ्री सेक्टर, तीनों सेक्टर के एरिया का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल 90 डिग्री इज टू एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल 120 डिग्री इज टू एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाई 360, तो यहाँ पे थीटा है 90 डिग्री, तो 90 बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तीनों ही सेक्टर का रेडियस सेम है, तो यहाँ पे हो गया 120 बाई 360 पाई आर स्क्वायर इज टू 90, यहाँ ले चुके हैं, यहाँ पे 90 120 आ जाएगा 150। ठीक है, 150 बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया 90 बाई 360 इज टू 120 बाई 360 इज टू 150 बाई 360। तीनों के ही डिनोमिनेटर में 360 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 90 इज टू 120 इज टू 150। तीनों में से जीरो कैंसिल हो जाएगा, या इसको ऐसे कर सकते हैं 30 से 3 बार में, 30 से 4 बार में और 30 से कट गया 5 बार में, तो 3:4:5, तो ये तीनों सेक्टर के बीच का ये रेशियो आ गया। यही कैलकुलेट करना था हमें, ऑल्सो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द थ्री सेक्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो समझ में आया तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।